रजत और सभी की हो रही है सगाई। जी हाँ, फाइनली दोनों परिवार में रजत और सभी की शादी के लिए मान गए हैं। वही जहाँ आप देखेंगे भाग्यश्री चाहती है कि शादी की सारी रीति रिवाज गुजराती तौर से हो, लेकिन ईशा इसे नहीं मानती है। ईशा कहती है शादी की सारी रस्में तो मराठी तौर तरीके से ही होगी। इसे लेकर ईशा और भाग्यश्री के बीच बहस छिड़ जाती है। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं टग ऑफ वॉर खेला जाएगा और इसमें जो विजेता होगा उसी के हिसाब से पूरी शादी की रीति रिवाज होगी। तो हम देखते हैं कि रजत की माँ भाग्यश्री इस खेल में जीत जाती है, लेकिन वो जब सगाई की सेरेमनी में सभी के घर आती है तो वो देखती है सभी ने लहंगा पहना और इसे देखकर भाग्यश्री बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाती है। फिर भाग्यश्री सभी और उसके परिवार को करी कोटी सुनाने लग जाएगी, जहां हरिनीताई सभी को सपोर्ट करते दिखेंगी। हरिनीताई कहेगी कि आज सभी का सगाई है और अगर आज इसने अपने मनपसंद लहंगा पहन लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। दरअसल सभी अपनी आई को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी और फिर उसने अपनी आई साई की स्पेशल साड़ी को अल्टरनेट करके उसने लहंगा बनाकर पहना, लेकिन रजत के परिवार को ये सब नहीं पता था। आने वाले एपिसोड में देखेंगे भाग्यश्री और ईशा के बीच बहस छिड़ जाएगी इसको लेकर। तभी रजत के पिता राजू और शांतनु इस बहस को संभालते नज़र आने वाले हैं। उधर रजत को घर वाले फ़ोन कर रहे होते हैं, लेकिन रजत का कुछ अता पता नहीं है।